की बड़ी खबर, सांचौर के रानीवाड़ा में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है, ये बड़ी जानकारी है। जमीनी विवाद को लेकर धारदार हथियार से हमला किया गया है। इस दौरान हमले में एक पक्ष के पति पत्नी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को दस्तयाब किया है और पूछताछ जारी है, तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे पूछताछ की जा रही। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता रविंद्र सिंह, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, इस पूरे विवाद को जरा विस्तार से बताएं, कैसे पूरा विवाद पनपा, क्या कुछ जानकारी? जी, रानीवाड़ा पुलिस थाना इलाके के दईपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष की ओर से धारदार हथियार से दूसरे पक्ष पर हमला होने की घटना सामने आई है। हमले में दो जने गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गुजरात रेफर किया है। पुलिस ने हमलावर युवक को हथियार के साथ दस्तयाब कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार दईपुर गांव में भगरा चौधरी की रहवासी ढाणी पर दईपुर निवासी नरपत सिंह राजपूत ने धारदार कुलाड़ी से भगरा चौधरी और उसकी पत्नी राधा देवी पर हमला कर दिया, जिससे भगराज चौधरी और उसकी पत्नी राधा देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीवाड़ा में भर्ती करवाया, जहां पर दोनों का प्राथमिक उपचार किया गया, परंतु हालात नाजुक होने से डॉक्टरों ने उनका हायर ट्रीटमेंट के लिए गुजरात रेफर किया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जो हमलावर है नरपत सिंह राजपूत, जिसका नाम है, उसको हथियार के साथ दस्तयाब कर लिया है और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल तुरंत शुरू कर दी है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए रविंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका।